आज तुम्हें इनाम मिलेगा। हाँ हाँ कल ही तो मिला था, ऐसे काफी बूढ़ा हो गया। मैं उस इनाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस इनाम की बात कर रही हूँ। तो मैं भी तो तुम्हारे जमाने के मामू इनाम की बात कर रही। बेहतरीन, लिखा है स्टार्स में, लिखा है कि तुम्हारा इनाम मींस प्राइज निकलेगा आज। हाय बेहतरीन, यू गाइस लुक एवरेज। डू यू नो बकरी सो वालों ने सोप खरीदने पर इनाम रखा है और मेरा इनाम निकल आया है। आई होप यू डोंट डाई ऑफ जेलेसी। अच्छा, इनाम में बकरी निकली है? नहीं, बड़े बड़े कई इनाम आते हैं, मेरा तो क्लॉक निकला है। यही वाला जो तुमने हाथ में बांध रखा है? क्या मतलब? बेहतरीन, तुम्हें ये भी नहीं पता कि इसे रिस्ट वॉच कहते हैं, क्लॉक नहीं। एनीवे, अभी मैं चलती हूँ, अभी सबको बताना है। बाय बाय। बाय। बेहतरीन, इनाम तुम्हारा निकलना था और निकल आया मिसेस कमाल का। जुरे जमीन, क्यों ना हम भी बकरी सूप खरीदें ताकि हमारा भी इनाम निकले। पर रकम कहां से आएगी? हाउ कहां से आएगी? हाँ, हाशिम जी ने जो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे उससे हम बकरी सौप ही सौप खरीदेंगे। कैसा? वाओ। बस। मामा, इतने सारे साबुन मेरे नहाने के लिए? नहीं, इनमें से गाड़ी निकलेगी। गाड़ी? वाओ। मामा, इनके अंदर से जो गाड़ी निकलेगी वो छोटी सी होगी। अरे नहीं नहीं, बड़ी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ी होगी। लेकिन हम उसको रखेंगे कहाँ? हाशिम जी घर पर है, आहिस्ता बोलो। पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि वो घर पे है। पप्पू भाई जल्दी करो, प्लीज जोर लगाओ और उसको अंदर छुपा दो। ये क्या? पापा, इसमें साबुन तो नहीं है। क्या? वो धुलाएगी, मतलब आपने वॉशिंग मशीन के पैसे दिए थे ना। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन है। जोरा जमीन, देखा ना हाशिम कितने इंटेलिजेंट है। हाँ हाशिम जी, आपने पैसे दिए थे, वही वॉशिंग मशीन मंगवाई है हमने। किस कंपनी की है? वो बकरी मार का। क्या मतलब? तुम तो चुप करो। हाशिम जी आप लेट हो रहे हैं। ओहो, बेहतरीन कितने की मिली ये तो बताओ। ये तो फी दर्जन के हिसाब से होती है। मतलब? मतलब ये दर्जनों के हिसाब से कपड़े धोती है। गारंटी है इसकी? मामा, साबुन की भी गारंटी होती है। चलो यार, खोल कर तो दिखाओ मुझे। हाशिम जी आपने कभी वॉशिंग मशीन नहीं देखी? देखी है ना, तो फिर आई थिंक इट डजंट वांट टू कम आउट। बच्चे से नहीं खुल रही। पापा बेटे रहने दो, शाबाश। ये मुश्किल काम है, छोड़ो मैं कर। हेलो जोरा जमीन, आज मेरे सितारों में बेइज्जती होना लिखा है? नहीं। जी सर सर मैं आ रहा हूँ अभी। जी आ रहा हूँ। हाशिम जी आप जा रहे हैं? बेहतरीन चुप। मामा प्लीज, मामा मैंने रियाजत के बाद एक गाना तैयार किया, सुन ले मुझसे। ओके मेरा बच्चा सुनाओ। रियली? हाँ हाँ चलो। बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ले ले। पप्पू ये तुम गा रहे थे? जी मामा मैं गा रहा था। कंपोजिशन भी तुम्हारी है? जी मामा मेरी कंपोजिशन है। लिरिक्स? मामा लिरिक्स तो है ही मेरी। मेरा बच्चा यही गाना आइंदा तूने मुझे कभी नहीं सुनाना। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, अभी अभी मैंने चेक किया, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया है। हाँ, साबुन की लकी ड्रॉ में हमारा इनाम निकला।
क्या निकला क्या? अरे भाई दो लोगों का होटल में, फाइव स्टार होटल में फ्री स्टे। तैयारी करो। मामा थोड़ा सा और सुनाओ। Exciting times. Listen, listen, Bethreen. Yes. अब हम लोग होटल में जा रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग इलाइट हो चुके हैं। So please, only English. Okay. I never wanted to live in this house. I was born to live in five-star hotel always. Papu bhai, where are you going? Mama, आपके साथ। Papu bhai, सिर्फ two ladies का stay है। तुम यहाँ पे गाने गाओ, जो भी करो, राग गाओ, whatever. Just stay here. मामा पहली बार मुझे छोड़कर जा रही है। बेटा get used to it. अब सारी जिंदगी मैं यहाँ तो नहीं रहूंगी ना। हाँ हाँ पप्पू भाई, जाओ तुम अंदर, प्रैक्टिस करो अपने म्यूजिक की, सारा दिन गाने गाओ, क्लासिकल whatever, just go. और तुम अंदर ही बैठ के गाओ, बाहर ना गाना, क्योंकि मोहल्ले वाले हमारा सर फाड़ देंगे। बेहतरीन English, because they will break our head. We will have cross on the matha. Okay? Or yeah. Status upload kar do. Zora Jameen and Bethreen travel to Mauritius. Ab hotel ke kamre mein kya pata chalta hai ki ye Mauritius hai ya Sri Lanka? Theek hai na? Okay, let's go. You go. Go inside. Mama. Please leave. Let's go. Mauritius, here we come. La 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 la. आज तो मैंने गा गा कर ये गिलास ही तोड़ देना है। रे गा मा पा ना 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 दा रे गा मा पा ना ना। रे नहीं टूटा, और ये तो इंपोर्टेड ग्लास था। अपनी जुबान में गाना सुनाऊंगा तो टूटेगा इंग्लिश। एंड इट्स लाइक रेनी and a sunny day and birds are flying. Yeah, I just don't agree, you know, real and right to be licking ray and you belong. Happy log gana ka ke glass tod dete, maine glass gayab hi kar diya. Glass aapne gayab nahi kiya? Are iski to jaan bachayi hai maine gayab karke. Happy, पर तुम किधर से आए? मैं बाहर से गुजर रहा था, अंदर से आवाजें आ रही थी जैसे किसी पे तशद्दुद हो रहा हो। मैं समझा डाकू घुस के पप्पू भाई की पिटाई कर रहे होंगे। लेकिन मैं तो गा रहा था। गाना गाना है तो पहले सीखो। सीखूं? पहले सीख हो जाऊं? अरे पप्पू भाई मौला खुश रखे, सीखो का मतलब है लर्निंग, सीखो। हाँ हम सीखेंगे। मौला खुश रखे, ये जो हम है ये सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो या मुझे भी शामिल कर लिया है? हैप्पी, हम गुलुकार बनना चाहते हैं, बड़ा गुलुकार। हम गुलुकार बन के तुम्हें अवार्ड देंगे। तुम्हें तो मिलना नहीं, मुझे ही देना पड़ेगा। हम तुम्हें खुश कर देंगे। लतीफे सुनाओगे? हैप्पी, हम चाहते हैं हमारा गाना यूट्यूब पे हिट हो जाए, और वो सुपर हिट हो जाए, और बहुत से पैसे मिले, और उसमें से मैं 50% मुनाफा तुम्हें दे सकता हूँ। वैसे बेहतर है कि तुम गाना सीख लो, मैं एक बंदे से मिलवाता हूँ, वो तुम्हें गाना सिखा देगा और मशहूर भी कर देगा। पर उसके लिए जरूरी है कि तुम फोक सिंगर बनो। हाँ तो वो कौन सा मुश्किल है? एक जनाना सूट और एक चिमटा ही चाहिए। फोक सिंगर रेडी। पहचाना नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हें भी नहीं पहचाना। अरे एक दफा वो इम्प्रेस हो गया फिर पैसा ही पैसा। पैसा नहीं रुपया चाहिए। हैप्पी, मैं भी फाइव स्टार होटल में ठहरना चाहता हूँ। तो हो जाओ तैयार। वो बंदा बाहर शोज कराता है, ऑनलाइन म्यूजिक ऐप भी चलाता है, उसके बाद तो पैसा ही पैसा। लेकिन पॉप म्यूजिक को मैं बिल्कुल पॉप समझता हूँ। I like this only folk music. Folk, folk. Happy साहब इनको कुछ कहें ना, गुनगुनाएं। भाई कुछ गुनगुनाएं। हाँ डॉली
चढ़या डोली चढ़या डोली चढ़या। क्या आवाज है आपकी, दिल में उतर गई। जी कहाँ उतर गई? मेरे दिल में। एक्चुअली मेरे अंदर फेक बसुकी जो है मेरे घर वालों ने भरी हुई है कूट कूट के। लेकिन ये कि हमारे घराने में तो बच्चा भी अगर सही तरह ना रोए तो वो कहते हैं कि यार सुर में रो। मेरे पापा मौसीकी के बहुत बड़े कदरदान हैं। लेकिन मेरे पापा तो मौसीकी के खिलाफ हैं। वो बेसुरी मौसीकी के खिलाफ है, वो तो हीर सुनते हैं, हालांकि उसे देखना चाहिए। हा? खानदानी लगते हो बेटा। वैसे किस घराने से हो? वो जी शाम 82 घराने से, शाम 84 घराने से, दो घर पहले। इनके वालदैन लाइव गाते हैं। तो मैं क्या डेड गाता हूँ? हाँ मतलब नहीं। आपके माँ बाप भी जरूर गुनी होंगे। क्या नाम है उनका माँ बाप का? बड़े हाशिम खान साहब और बेहतरीन बड़ी खान साहिबा, वो मेरी अम्मी लेडीज में खान साहब हैं। भाई आप मेरी बेटी को बहुत पसंद आए और मेरी बेटी आपके साथ जोड़ी बनाना चाहती है। Really? Me too. क्या? ना ना ना, ये वो वाला मी टू नहीं है जिससे प्रोड्यूसर डरते हैं, ये सादा वाला मी टू है। हसीना आपके वालदेन से मिलना चाहती है जिन्होंने आपको पॉप म्यूजिक के अलावा फोक की तरफ रागब किया, अच्छा रास्ता दिखाया आपको। लेकिन मेरे पापा तो किसी से नहीं मिलते। अरे भाई इश्तियाक तो और बढ़ गया। हैप्पी, ये किस इश्तियाक की बात कर रहे हैं? मेडिकल स्टोर वाला इश्तियाक। मैं आपको और हसीना को मुल्क से बाहर कई शोज दिलवाऊंगा, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, अफ्रीका। लेकिन उससे पहले मैं आपके गुनी माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। हैप्पी, यार मैं तो इतना हसीनो जमील हूँ, ये मेरे पेरेंट्स कैसे लग सकते हैं? अरे मेकअप और लाइट ठीक हो, मैं वो हसीन नजर आती हूँ कि कोई अपना चैनल नहीं बदलता। मौला खुश रखे, यहाँ रीटेक नहीं है, सबका सब लाइव है। तुमने गजल गायकी के बड़े घराने के सिंगर का किरदार अदा करना है। फिक्र ही नहीं करो, मैंने जो गेटअप किया है ना, ऐसी गजल गाऊंगा, आप वेरिएशन चेक करना। नंबर वन वेरिएशन, दो वेरिएशन, तीन वेरिएशन। ये क्या था? वेरिएशन। ओए मेरा प्यो, ते मेरी माँ। वाह 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 बेटी, ये वक्त रोक दो, इसी जगह पे रोक दो। इस वक्त के अंदर मैं अपनी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ बस। ये है हाशिम खान साहब। नहीं, ये हाशिम बड़े खान साहब और उनके साथ हैं बेहतरीन बड़ी खान साहिबा। मैं हसीना हूँ। ये तो अंधे को भी नजर आ जाएगा कि आप हसीना हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं। वाह क्या सुर में तारीफ करी, कोई बेसुरा तारीफ करे हम तो वापस चले जाते हैं। किबला आपकी तारीफ। मैं ये करेंगे करो, मेरा नाम क्या है? ये है हाशिम खान साहब। नहीं, ये है हाशिम बड़े खान साहब और साथ हैं बेहतरीन बड़ी खान साहिबा। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं मेरे? वो जी ये गाने में लगे रहते हैं, तब तक चुप नहीं करते जब तक चार बंदे आकर इन्हें चुप ना कराएं। बेहतरीन खान साहबा, बेहतरीन खान साहबा, एक्सक्यूज मी, आपको बुला रहे हैं? जी जी, शिप पूरी हो गई, चले। मजाक बहुत करती है, इनको इजाजत दे। मतलब थोड़ी देर और रुक जाए ना प्लीज, वो पेमेंट पूरी शिफ्ट की लूंगी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, कभी आए ना हमारे घर खाने पे हसीना के साथ। अरे आपकी दावत में कैसे रद्द कर सकता हूँ, किसी दिन मैं आऊंगा आपके घर है। मगर किसी दिन क्या, मैं तो आज ही आने की कोशिश करता हूँ। क्यों हाशिम साहब, हाय बोले, हाय हाय। हाशिम कौन? अच्छा मैं हाशिम बड़े खान साहब कहिए ना, है तो हम खान साहब मगर गाते और पसंद हम सिर्फ फोक म्यूजिक को करते हैं। सुने कुछ गुनगुनाए ना। रुको रुको रुको, पहले मैं अपने कानों को संभाल लूं कि खुशी से अंदर ना चले जाए। जी जी इरशाद।
मेरा ख्याल है वही माँ प्यो दोबारा चला देगा। अच्छा। मेरा माँ प्यो क्या बात है। ऐ मेरी माँ Great, thank you. Great, thank you. लेकिन उसको यहाँ घर पे खाने की दावत दी तो दी क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सीरियल के प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की। अरे सर गुस्सा ना करें, ये बताएं उन्हें यहाँ बुलाने में हमें क्या फायदा? मुझे लगा वो हतीना से पप्पू भाई की शादी की बात करना चाहते, इसलिए हमने बुला लिया। सच्ची? तुम लोगों ने रिश्ता पक्का करा के जाने देना है उस परदेसी को। देखिए मेरे मीडियम गुड बेस्ट और एक्सीलेंट एक्टिंग करने के अलग अलग रेट्स हैं। अरे रेट की फिक्र ना करो, काम होना चाहिए बस। काम काम। अरे बेहतरीन, बड़े मजे आ रहे हैं भाई। हम हमेशा ना सिर्फ बकरी सोप ही लिया करें। मैं तो फ्रिज में से ना सब कुछ खा के हजम भी कर लिया है। इट्स फ्री। अच्छा हेलो हेलो, वी वांट टू आइसक्रीम विद द चेरी ऑन टॉप। लीटर लीटर की होनी चाहिए, चेरी ऑन टॉप जरूर हो। चार कॉफी भी बोलो ना उनको, क्या पता कुछ गर्म पीने का मूड आ जाए। ऐसा करें चार कॉफी भी भेज दें, एक कैपुचिनो, एक मिनोटिनो, एक चीनो चीनो और एक कैपुचिनो लाटे। ओके हरी अप प्लीज। क्विक सर्विस। यस कम इन। गुड आफ्टरनून, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस होटल। आपकी तरफ से रिसेप्शन पे एडवांस जमा नहीं हुआ, मुझे आपको ये इन्फॉर्म करना था। तो हम यूँ एडवांस जमा करवाएंगे, हम तो फ्री में हैं भाई, फ्री। इट्स फ्री स्टे। मैम सिर्फ स्टे फ्री है लेकिन उसका टैक्स भी आपको देना होगा, और इसके अलावा दूसरी जो फैसिलिटीज हैं जैसे रूम सर्विस, फूड, लॉन्ड्री, इसकी भी पेमेंट आपको करनी होगी। और अब तक का 25,000 का बिल आपका बन चुका है। क्या तो भागना पड़ेगा। सॉरी क्या मतलब? मतलब ज्यादा खा लिया ना इसलिए जॉगिंग करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज नीचे चलिए, हम अभी आते और डबल एडवांस देते बिकॉज वी आर इलाइट। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। बाय। जमीन अब क्या करें, पैसे तो है ही नहीं। चल साहब कहाँ पे? कल बोल, मैं सब कुछ खा लिया है। क्यों खाया? तेरा पेट है या कुआं? सब खा गया। थोड़ी सी है शरारत, थोड़ी सी खेचतानी, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई कहानी। देखो यहाँ जिसे भी अपना हीरा गला पे। हाय हाय बेहतरीन, ये तो छोटी है। तुम कहती थी ना कि तुम भी कितनी छोटी हो, चलो तो छोटी फर्स्ट। हाँ शाबाश, उतरो उतरो। Are you sure? हाँ 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 उतरो। तुम भी जल्दी से आना यार। ये सब क्या हो रहा है? सिस्टर आपको सुन के शायद थोड़ा सा अजीब सा लगे। कुछ लोगों को जैसे पहाड़ों पर चढ़ने का शौक होता है, मुझे चादरों से लटकने का शौक है, डिफरेंट हाइट्स से, यू नो। जरा जमीन पॉकेट मनी निकालो। कौन सी पॉकेट मनी? पॉकेट मनी जो पॉकेट में रखती है वो, जल्दी निकालो। ये लो। कितने पास? चलो ठीक है, बस 100 दे दो ना। चुप।
दो। इसकी तो डेथ हो गई, क्या फायदा यार। ये हैप्पी वाह वाह वाह, आप बड़ी वक्त की पाबंद निकली हैं। हमारी फील्ड में जो एक्टर लेट आए उसे वक्त का पाबंद कहते हैं। अरे वो परदेसी और हसीना ने कहा है कि आपके हाथ के करेले गोश्त खाने हैं। इसमें कौन सी मुश्किल की बात है, पहले करेले बना लो, फिर गोश्त बना लो और फिर दोनों को मिक्स कर लो, बन गए करेले गोश्त। सुने, आप करेले गोश्त बना देंगी? खुद ही बनाओ, मुझे तो अभी लाइनें भी तो याद करनी है। सुने, वो खाना रखा है आग पे, जरा चेक कर दे। मैं वही काम करती हूँ जिसकी मुझे पेमेंट मिलती है। कुछ जल रहा है? जरूर कोई मेरी पर्सनैलिटी से जल रहा होगा। पप्पू भाई, मुझे लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी किचन में जल रही है। बाबू हेलो, कौन? फोन तुमने किया है, तुम्हें पता होगा कौन हो। मैं हाशिम बात कर रहा हूँ, पप्पू भाई की मामा से बात कर रहे हैं। बात तो कर रही हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं हो? ये आवाज क्यों बदली हुई है? वो पान नहीं खाया ना सुबह से। पप्पू भाई, वो इलायची और सुपारी वाला जरा पान तो लेकर आना। अच्छा खैर, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताना था कि मेरी मीटिंग कैंसिल हो रही है, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं घंटे से आए बैठी हुई हूँ, अपनी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाओ, फौरन पहुँचो। क्या हो गया बेटी? इनको टाइम है तुम्हारे आने का। फोन पे तो बड़े डायलॉग मार रहे थे, तो ये बड़े बिजी एक्टर हो तुम। मैंने तुम्हें कब फोन किया? लो, इनको पता ही नहीं है। हेलो, क्या आप लोग आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। प्लीज आइए प्लीज। भाई आपके घर आना हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, यकीन करें। दूसरा तसने, तीसरा तसने। मसरूफियत तो बड़ी थी, लेकिन आपसे वादा किया था बेहतरीन खान साहब, खाना लगवाइए बस। बेहतरीन बेहतरीन खान साहिबा, आपको कह रहे हैं कि खाना लगाएं। हाँ तो लगाओ ना। अपने प्यारे हाथों से सुरीला खाना लगाइए प्लीज। अरे आपके घराने में लड़के खाना लगाते हैं? नहीं नहीं, मैं लगा देती हूँ। किचन किधर है? आपको अपने घर के किचन का नहीं पता? मामा मजाक कर रही है। मामा आए ना किचन, मजाक आए ना मामा। आए, 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 आए। I hate hotels. Hotels की भी कोई जिंदगी होती है क्या? गंदी गंदी चादरें, पता नहीं कभी धुली हो कि ना धुली हो। और खाना क्या होता है? ये गवर्नमेंट खाना, खाना तो होता है माँ के हाथ का, घर का खाना। इज्जत है तो घर में, भले जलील हो लेकिन घर में। I love you home. दूसरा खाना, तीसरा वाह, क्या बात है यार, इस पे तो गायकी खत्म है। बेटा आज के बाद मुझे गाना सुनने मत देना। वाह 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 वाह, परदेसी साहब आज तो आप घराने के घर में आए हैं, लूट लीजिए जो कुछ लूट सकते हैं। प्लीज मेरा गाना भी सुन ले। आप कौन? ये हाशिम साहब का घर है, इस घर के मालिक। आपको किससे मिलना है? पप्पू भाई, ये लोग कौन है और ये तुमने क्या हुलिया बना के रखा हुआ है? एक्सक्यूज मी, ये मेरी बहन है, छोटी वाली। आप फोक सिंगर पप्पू भाई की बहन है? जरूर आप अपने पापा से नाराज हैं, तभी आप पूछ रही हैं कि ये कौन है। ये पप्पू भाई ने सब खुद पकाया है। अरे वाह वाह, आज तो किस्मत ही चमक गई, आपकी बेटी खान साहब इधर आ गई। पप्पू भाई, फोक सिंगर?
अरे फोक सिंगर नहीं, अजीम सिंगर। पप्पू भाई एक नमूना पेश हो जाए तो क्या बात है। प्लीज प्लीज। जी जी कुछ सुना है ना? अच्छा आइएगा जरा। But it was great. पता है तुम्हें मिसेस कमाल को अभी भेदरी हमारे होटल स्टे की कहानियां सुना रही होगी। अब भेदरी में आने लगी है। मुझे बताओ ये तुमने क्या ड्रामा रचा रखा है बार। हे पुप्पो, प्लीज प्लीज आप मामा को समझाएं। मेरी हसीना से शादी की बात होने वाली है। बस एक दफा मैं बड़ा सिंगर और शौहर बन जाऊं, मैं आज के बाद से फिर ऐसी हरकत नहीं करूंगा। चलो पप्पू भाई, अब मैं इलाइट हो गई हूँ तो मुझे जनरस भी होना पड़ेगा। बताओ क्या कर सकती हूँ। हुआ ये था कि ओके आई विल डू इट। थोड़ी सी कहानी रह गई है। ओके आई स्टिल डू इट, कम ऑन। खान साहब, मुझे समझ में नहीं आया कि आपकी बेटी खान साहब आपको पहचान क्यों नहीं रही थी। ये तो इसके लिए बधाई नहीं। हम माफ कीजिएगा, पप्पू भाई की बहन असल में पागल है। अगर वक्त पर दवाई ना मिले ना तो मुंह नोचने पर आ जाती है। क्या वो सच्ची मुझे पागल है? हैं? आपको नहीं पता वो दरअसल मेरी बात नहीं मानती ना। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम वालिदा मोहतरमा। मौला खुश रखे, सब एक से बढ़कर एक। अरे बेटी खान साहबा, दवाई वक्त पर खानी चाहिए बाकायदगी से, और पागलपन का इलाज तो मुमकिन है। हाँ। कौन कौन है पागल? अरे मेरा भाई पागलों का डॉक्टर है, मैं आपका इलाज उनसे करवाऊंगा, बेफिक्र रहे। मेरा इलाज पागलों के डॉक्टर से? पप्पू भाई जरा बात सुनना। आपस में मान अच्छे अंडरस्टैंडिंग। आप खाइए 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 जा। खाने से पहले पानी, और पानी से याद आया पानी, दूसरा पानी, तीसरा पटाक पटाक पानी। वाह 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 बेटा, अगर आज के बाद मैंने कोई गाना सुना मेरे कमरे को आग लगा देना तुम। वाह वाह वाह। अरे खान साहब, घर तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, कमरे कितने हैं? पता नहीं। इनको क्या पता, ये तो हर वक्त रियाजत में बिजी रहते हैं। सोते में खराटे भी ऐसे लेते हैं जैसे मिर्जा साहिबा सुना रहे हो। खराटे खराटे। अरे ये तो कुछ भी नहीं, जब ये सो रहे होते तब इनकी आवाज सुना कीजिए। आज के बाद मेरे पास जितने स्टूडियो में सिंगर आए उनकी सीडी को आग लगा दो, मैं आज के बाद किसी का गाना रिकॉर्ड नहीं करूंगा। खान साहब, आपके बच्चे कितने? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। दो बच्चे हैं। आप लोग खाना खाए ना, वो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, वॉशरूम किधर है? मेरा तो मेरे घर में, इनका पता नहीं। जी ये तो आपका घर है। अच्छा मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। बेटी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये किसका फोन है? हेलो, क्या मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया? मैं अभी आता हूं, मैं अभी आता हूं। इसकी और भी बीवी है? पप्पू भाई पानी लाओ। आप कौन है? जी मैं परदेसी हूं। वो तो लग भी रहे। ये मेरी बेटी हसीना है, आप कौन? मैं पप्पू भाई की मामा हूँ। आपका बेटा? आप भी मिसेस हाशिम है? उन्होंने दो दो शादी की हुई।
हाशिम जी की दो दो शादियां कर ही नहीं सकते। कहाँ है हाशिम? पता नहीं, अभी एक फोन सुनकर बाहर चले गए। ये ले, आ गई इनकी बीवी। हैं? हाशिम लाहौर गए थे, जरूर इसे वहां से लाए हैं। तुम हो हाशिम की दूसरी बीवी? हाँ हाँ, कहाँ है हाशिम? बेहतरीन, दरवाजे खुले रखे, क्या हो रहा है? ये तो आप बताए, आपने दूसरी शादी कर ली? अगर करनी ही थी तो बेहतरीन के बाद किसी बेहतर से करते। क्या मतलब? ये कौन है और वो कहाँ गया? पप्पू का पापा हाशिम? मैं हाशिम हूँ, पप्पू भाई का बाप। अभी तो कोई और था, ये इतनी तेजी से काज बदल रही है। दो माओ तक तो ठीक था, यहाँ तो दो दो बाप भी है। आप प्लीज पप्पू भाई को बुलाइए। यार क्या बात, पापा आप? लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। मैं पूछ सकता हूँ ये सब हो क्या रहा है? मैं बताती हूँ, इसने परदेसी से फ्री के एल्बम्स बनाने के लिए हम सबको बेवकूफ बनाया। इन दोनों को अपना नकली माँ बाप बना दिया इसने। क्या ये सब लोग मुझे ही क्यों बेवकूफ बनाते? आज के बाद अगर म्यूजिक का काम किया ना मैंने तो मुझे आग लगा देना तुम। पापा मैं इस टीचर से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, चले उठे। हाँ हाँ चलो। लगता है मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। वो तो सब ठीक है हाशिम, मगर आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी इससे। किससे? इससे। बेहतरीन जी तो, हाँ। तो फिर ठीक, हम भी सैलाब जदगान के नाम पर अपने लिए फंड इकट्ठे करेंगे। अरे बेहतरीन, तुम्हें पता चला? पता चला है, जब ही तो कह रही हूँ। हाय हाशिम, आप आ गए। वो मैं भी भाग गया था, वो मिसेस जमाल का घर गिर गया। आप गूंगे बहरों की एनजीओ बना लीजिए, उसमें बड़ा फायदा है। भाई शॉर्ट नोटिस पे जितने गूंगे बहरे मांगेंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें डोनेशन भी जल्दी मिलती है।